सो बेसिकली अगर हम लोग देखें इस समय हमारे जो मेन चैप्टर्स हैं दैट आर एरे एंड देन नेक्स्ट वी हैव इज स्ट्रिंग. दीज आर द टू मेन पार्ट्स. बाकी हमारा रहता है लाइब्रेरी का कि लाइब्रेरी फंक्शंस. दीज आर द थ्री पार्ट्स जो हमारे पास आ रहे हैं. 50 मार्क्स का पेपर है. पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि किस तरीके से यू शुड अटेम्प्ट द पेपर ताकि मैक्सिमम आ जाए. देखो रही बात हमारे पास है 1.5 आवर. ठीक है प्लीज़ अनम्यूट म्यूट योर सेल्फ. ठीक है 1.5 आवर है हमारे को. 10 MCQs करने हैं एंड देन वी हैव 5 क्वेश्चंस. ओके 5 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस. तो आई बिलीव MCQs यू कैन डू मैक्स टू मैक्स. अगर आपको टाइम लग रहा है विद इन 8 मिनट्स आपके MCQs हो जाने चाहिए. ठीक है तो 90 में से लेट्स डिडक्ट अप्रॉक्स हम लोग की 10 मान के चल रहे हैं कि मतलब आपने 10 मिनट में पेपर रीडिंग कर ली है. विद पेपर रीडिंग वी हैव स्टिल 80 मिनट्स. ठीक है 80 मिनट्स एंड वी हैव 5 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस. सो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन का आपका जो तरीका रहेगा अटेम्प्ट करने का, देखिए आंसर शीट का भी मैं ऑन द स्पॉट बता देती हूँ. जैसे लेट्स अज्यूम कि आपकी दिस इज़ योर आंसर शीट. ठीक है तो मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्रॉपर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 डबल अंडरलाइन ताकि मतलब हाईलाइट हो जाए कि आप नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. राइट द प्रोग्राम. अब जैसे लेट्स से बच्चे क्या करते हैं क्लास का नाम लेट्स से P1 लिखने के बाद कर्ली ब्रेस एंड सेम लाइन से स्टार्ट कर देते हैं. रादर देन डूइंग दिस नीट एंड क्लीन रखिए अपना पेपर जितना हो सकता है आंसर शीट. तो यू विल डू क्लास P1 एंड देन नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करें वॉइड मेन. ओके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन या वॉइड मेन एंड देन नेक्स्ट लाइन से अगेन मेक अ ब्रेस ब्रैकेट बनाइए नेक्स्ट लाइन लीजिए और उसके बाद फिर से स्टार्ट करें. इससे यह है क्लैरिटी रहेगी प्रोग्राम में कि मतलब एग्जामिनर को भी दिखेगा कि अच्छा ये वाला एक मेथड स्टार्ट हो रहा है ये क्लास स्टार्ट हो रही है. एंड डू द सेम वॉइड मेन एंड करें एंड देन नेक्स्ट लाइन में ही क्लास का एंड करें ताकि एक आइडिया मिल जाएगा ये देखिए ये एंड हो रहा है ये यहाँ से एंड हो रहा है. तो नीटनेस रहेगी. तो आपको अगर लेट्स से कि आपका यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगाना मिस कर दिया आपने खाली कॉमा लगाया एग्जामिनर माइट इग्नोर जस्ट बिकॉज कि इतना प्रोग्राम नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है दे माइट इग्नोर. तो नीटनेस है और देन उसके बाद जैसे लेट्स से यू हैव रिटन दिस प्रोग्राम इन 20 लाइन्स. ठीक है उसके बाद आपने वेरिएबल डिस्क्रिप्शन भी इसी में ही इंक्लूड कर दिया. उसके बाद लेट्स से कि वी हैव 10 लाइन्स रिमेनिंग. तो यू आर लाइक कि चलो इसी से ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना प्रोग्राम लिखना कोई दिक्कत नहीं. बट आई बिलीव नहीं करेंगे हम लोग. वी विल गो टू द न्यू पेज एंड न्यू पेज से हम लोग न्यू प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे. प्लीज़ इसे याद रखिएगा कि एवरी प्रोग्राम शुड बिगिन फ्रॉम अ न्यू पेज. ओके तो न्यू पेज पे एवरी प्रोग्राम. ठीक है ये कुछ मेरी तरफ से. एक फिर बात आती है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन की. सो जैसे ही आपका प्रोग्राम यहाँ पे ओवर होता है लेट्स से हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ओवर हो गया सो मेक श्योर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन के लिए यू प्रॉपरली राइट वेरिएबल डिस्क्रिप्शन. माइट बी इस बार पेपर में नहीं लिखा हुआ है कि मतलब प्रॉपरली कि राइट द वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बट आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को आता है. सो डू नॉट टेक अ रिस्क. आप लिख दीजिएगा वेरिएबल डिस्क्रिप्शन क्योंकि कोई ऐसा डिफरेंट अलग नहीं है या डिफ़िकल्ट भी नहीं है. मेक श्योर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन के बाद यू मेक वेरिएबल नेम. हियर यू विल राइट वेरिएबल टाइप एंड हियर यू विल राइट पर्पस प्रॉपरली एंड देन वेरिएबल नेम के बाद जैसे लेट्स से इंट आई है मतलब सॉरी आई है तो जस्ट राइट आई इंट टाइप का है एंड फॉर द फॉर लूप लेट्स से फॉर लूप वेरिएबल. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. वैसे आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा. इट इज़ यूज टू कंट्रोल द फॉर लूप. देन जो सेकेंड लिखेंगे इसी लाइन में मतलब डू नॉट राइट इन द नेक्स्ट लाइन जस्ट जो आती है मेक श्योर यू लीव अ लाइन देन अनदर राइट क्योंकि आपके प्रोग्राम जिस तरह से स्पेसिमेन पेपर में आए थे यू डू नॉट रिक्वायर मोर देन 4 to 5 वेरिएबल्स. सो 4 to 5 वेरिएबल्स में मेक श्योर कि एक एक लाइन छोड़ के लिखें ताकि क्लैरिटी रहेगी रीडिबिलिटी अच्छी रहेगी. तो यू विल बी गेटिंग अ हाई चांस कि मतलब आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं मतलब फुल आउट ऑफ फुल यू कैन गेट डेफिनेटली. ओके तो आई थिंक अब इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है. सॉरी कम बैक अगेन. यस अगर ऑब्जेक्ट वैसे अभी तक तो आपको ऑब्जेक्ट का आया नहीं है बट अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं ओबी जैसे लेट से और वेरिएबल क्या है ऑब्जेक्ट टाइप है और टू कॉल दी फंक्शंस क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट से फंक्शंस कॉल करते हैं तो देन यू कैन राइट टू कॉल दी फंक्शंस.
टाइम मैनेजमेंट टाइम बीन वी विल मेक 10 मिनट्स फॉर आर एम सी क्यूज. सो वी हैव 90 मिनट्स इन टोटल. दीज आर द टोटल मिनट्स वी हैव फॉर आर एग्जाम. 10 मिनट्स में हम लोग अपने एम सी क्यूज ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए. ओके एंड देन वी हैव रिमेनिंग 80 मिनट्स. 80 मिनट्स में वी हैव टू मेक 4 प्रोग्राम्स. ओके सो वी हैव 4 प्रोग्राम्स टू डू. सो इफ यू गो फॉर पर प्रोग्राम 15 मिनट्स. वन प्रोग्राम को अगर आपको 15 मिनट्स भी लग रहे हैं आप सॉल्व करने में विद वेरिएबल डिस्क्रिप्शन. बल ये नहीं कि खाली आपने वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखा, विद वेरिएबल डिस्क्रिप्शन. सो इट मेक्स 4 × 15, दैट गिव्स यू 60 मिनट्स. 60 मिनट्स यू हैव डन फॉर योर प्रोग्रामिंग. नाउ आउट ऑफ 80 मिनट्स माइनस 60, यू हैव अगेन 20 मिनट्स. सो 20 मिनट्स में मेक श्योर कि आप पूरा रिविजन कर ले. रिविजन में प्लीज़ मेक श्योर आप पहले सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस चेक करें. मैंने जो स्टार्ट करा है वो मैंने ब्रेस क्लोज करा है कि नहीं करा है. एंड देन वेरिएबल डिस्क्रिप्शन एक बार रीड कर लीजिएगा कि मीनिंग आ रहा है. मतलब लेट्स से कि अगर एग्जामिनर आपका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन रीड करेगा तो क्या उसे मीनिंग समझ में आ रहा है, इज़ दैट लाइन मेकिंग सेंस. तो एक बार वेरिएबल डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा. देन अपने सेमी कोलन्स प्लीज़ चेक करना कि मैंने सेमी कोलन स्टार्ट करा था, मतलब मैंने बंद कर दिया है हर लाइन के बाद. एंड देन उसके बाद जैसे SOPLN में बच्चे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मेक श्योर कि एस आपका क्लियरली दिख रहा है कि वो कैपिटल एस है. प्लीज़ ऐसे एस, मतलब कुछ बच्चे ऐसे एस बनाते हैं कैपिटल को भी, अवॉइड दिस. प्रॉपर एस बड़ा बनाएं, फिर मेक श्योर कि प्रॉपर दिख जाएगी एस इज कैपिटल. ओके एंड देन डॉट्स भी, जैसे दिस इज़ योर लाइन. सो कभी कभार क्या होता है बाई चांस जल्दी में क्या होता है, हम लोग डॉट यहाँ पर लगा जाते हैं तो नहीं विजिबल होती. मेक श्योर ऐसे सिस्टम डॉट आउट तो लाइन है तो मेक श्योर डाउट डॉट बीच में आए ऐसे, ताकि दिख जाए कि हाँ हमने डॉट लगाई है. ओके तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना एंड मेक श्योर कि प्रोग्राम में क्लैरिटी होए, विजिबिलिटी बहुत अच्छी होए आपके आंसर्स की. और रही बात आई बिलीव एक ही इंक से करना, कि लोग कहते हैं ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक, आई बिलीव कि एक ही इंक पूरे पेपर में रखना, दैट इज़ ब्लू एंड नीट एंड क्लीन रखना. द पॉइंट वेयर यू थिंक यू नीड टू हाईलाइट, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर. कि जब आप क्वेश्चन नंबर की बात आती है कि यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 1, सो जस्ट राइट विद द ब्लू इंक एंड जस्ट डबल अंडरलाइन दैट पार्ट, सिंपल. ओके फर्स्ट पेज पे हम लोग वैसे ही लिख रहे हैं, हर पेज पे हम नया क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारा आंसर रीडेबिलिटी वैसे ही बढ़ गई है. बस क्वेश्चन नंबर के लिए मेक श्योर कि बस क्वेश्चन एंड देन 1 अंडरलाइन दिस, ताकि सही साफ दिख जाएगा. ठीक है और कुछ कोई डाउट? प्रैक्टिस, दैट्स ओनली प्रैक्टिस. एक चीज़ और, जैसे अगर आपकी दिस इज़ योर कॉपी, ओके एंड देन आपका पूरा प्रोग्राम इस कॉपी पे आया है एंड देन यू आर गोइंग फॉर द वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, ओके इन द न्यू पेज. सो लिखने के बाद लेट से वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेक्स ओनली हाफ या 1/4 ऑफ द पेज, तो यू हैव दिस 1/3 पे 3/4 ऑफ द पेज इंटायरली लेफ्ट एम्प्टी. जस्ट वहाँ पे क्या करना, सिंपली राइट दिस एंड PTO. ओके ये नहीं कि इसी से ही नया क्वेश्चन स्टार्ट करना, मत करना. जस्ट मेक अ एरो एंड राइट PTO फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हर क्वेश्चन नए पेज से ही होगा, इरिस्पेक्टिव वेरिएबल पेज, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन पूरा एक पेज ले रहा है. क्लियर? एनी डाउट एनीवन? नहीं नहीं मैं एक सिनेरियो ले रही हूँ कि आपका जो प्रोग्राम था वो पूरा पेज ऑक्यूपाई कर गया है. ठीक है तो फिर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन के लिए आप नया पेज यूज़ करोगे, प्रिटी ऑब्वियस बात है. तो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन के लिए लेट्स से आपका 1/4 ऑफ द पेज ही यूज़ हुआ है, 30%, और 70% आपका ब्लैंक बचा है. तो आप लोगों को लगेगा कि चलो 70% ब्लैंक है तो हम लोग अपना यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, तो ये मत करना. जस्ट राइट सिंपली PTO. ओके पर अगर आपका जैसे क्वेश्चन है एंड अगर एक ही पेज पे आपका प्रोग्राम आ गया एंड यू हैव द स्पेस लेफ्ट, तो फिर आप वेरिएबल डिस्क्रिप्शन उसी पेज में लिख के ओवर कर दीजिएगा. ओके माय मेन मोटिव इज़ टू से कि एवरी क्वेश्चन शुड बिगिन फ्रॉम द न्यू पेज. गेटिंग एवरी क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एनीवन एनी डाउट? Shall I move ahead? Here is, I have drawn variable description, variable name, type and the purpose. ठीक है? Okay.
सो दोस्त जो अभी 15 मिनट बाद लेट हो गए थे, कोई बात नहीं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मैं बाय आई बिलीव बाय टुमारो आई विल पुट इट ऑन द यूट्यूब, सो यू कैन ऑल वॉच कि क्या क्या रह गया था. क्लियर? सो ऐसी कोई बात नहीं है. सो ओके, सो नाउ लेट मी मूव टू द एक बार स्पेसिमिन पेपर, ताकि जिनको स्पेसिमिन पेपर नहीं रह गया था सो दे कैन जस्ट हैव इट. लेट मी जस्ट रीशेयर द स्क्रीन. दिस इज द स्पेसिमिन पेपर. सो आई बिलीव एवरी वन इज एबल टू सी द स्पेसिमिन पेपर. ओके, तो ये रहा आपका स्पेसिमिन पेपर. ओके, और एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे सिलेबस भी था. सो इट इज़ लाइब्रेरी क्लासेस. लाइब्रेरी क्लासेस के आप लोगों के पास नोट्स अवेलेबल हैं, एंड देन यू हैव अ वीडियो जिसमें मैंने सारी बताई हैं, इस कैरेक्टर टू अपर केस, इस कैरेक्टर लोअर केस. सो आप वो रिवाइज कर लेंगे तो आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा आपको टफ पड़ेगा. कुछ बेसिक बात हैं जो भूल जाते हैं बच्चे, मैं वो अभी आपको बता दूंगी इन द अपकमिंग क्लास. ओके, इनकैप्सुलेशन यू ऑल नो वेरी वेल विद द प्रोग्रामिंग आई हैव टॉट यू. इनकैप्सुलेट कैसे होता है? ओके, एरे एंड स्ट्रिंग आई विल जस्ट डू इट राइट नाउ फॉर द रिविजन पर्पज. सो डू आई नीड टू गो टू द स्पेसिमेन पेपर और यू कैन जस्ट सी द वीडियो ऑफ द सोल्यूशन आई हैव इंटायरली मेड ऑन द यूट्यूब चैनल. वीडियोज दोनों अवेलेबल हैं. एवरी वन हैप्पी विद दिस? ओके, वीडियोज मैंने अपलोड करी हुई हैं, दे आर 50 मिनट्स एंड 10 मिनट्स, सो यू कैन हैव इट. ओके, और वैसे बहुत ईजी स्पेसिमेन पेपर है, कुछ टफ नहीं था. इट वॉज वेरी ईजी. ओके, सो हम लोग एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से. सो लीनियर सर्च था ये. डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज एन. सो आप लोग देख सकते हो, जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ पे हमें बोला जा रहा है इंटीजर ऑफ साइज एन, सो एन का मतलब हमें पता चल गया कि वी हैव टू टेक द यूजर इनपुट. ओके, क्योंकि साइज एन आ रहा है. एन एक्सेप्ट द एलिमेंट्स इनटू द एरे. सर्च फॉर एन एलिमेंट इनपुट बाय द यूजर यूजिंग लीनियर सर्च टेक्निक. डिस्प्ले द एलिमेंट इफ फाउंड अदरवाइज नॉट. सो हम लोग एन ले रहे हैं. सो आइदर द स्टूडेंट्स कैन गो कि सिंपली उन्होंने क्लास पी वन लिखा एंड देन उसके बाद दे स्टार्ट विद द प्रोग्राम वॉइड मेन, एंड आफ्टर दैट यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो. अब एन की बात आती है तो आई बिलीव 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. यू शुड, और इधर ये भी नहीं लिखा कि एक्सेप्ट द एलिमेंट्स है. आपको ये भी नहीं लिया गया कि इनिशलाइज हो गया. जैसे एक बार हो सकता है कि आप एन वैल्यू पुट कर दो और यूज़र से डायरेक्टली पैरामीटराइज कर दो, मतलब एन वैल्यू एंड देन एरे कि आप लोग पैरामीटर्स इनपुट. तो एक्सेप्ट की बात आ रही है यहाँ पे. सो इट मीन्स डायरेक्टली ईदर बफर रीडर और ईदर स्कैनर क्लास. ओके, सो ऑफकोर्स की बात है 10 मार्क्स का है, यू नीड टू हैव बोथ. सो आप स्कैनर क्लास यूज़ कर सकते हैं. जस्ट इनपुट फर्स्ट, मेक श्योर द मैसेज इज़ वेरी क्लियर. जैसे लेट मी टेक टू द न्यू स्क्रीन, गिव मी अ सेकेंड. सो दिस एनोटेट. ओके, क्लियर. ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन बैक. ओके, सो जैसे आप लोग ये आपको व्हाइट बोर्ड विजिबल है? ओके ओके, सो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मेक श्योर कि बस मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ. जैसे प्रोग्राम का नाम पी वन मैंने अभी लिखा है, डोंट राइट दिस. सो यू हैव एन एरे प्रोग्राम, सो यू कैन जस्ट राइट क्लास सर्च, ताकि इससे एक मीनिंगफुल नेम गया आपकी क्लास का. जस्ट सिंपल बात है. देन यू आर राइटिंग वॉइड मेन. ओके, एंड ऊपर हम लोग क्लास पहले इम्पोर्ट करेंगे. इम्पोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट एस्ट्रिक. ओके ग्रेट. डॉट सिंपल. एंड देन यहाँ पे जब आप लोग सिंपली, एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम लोग सिंपली इंट एन लेंगे फॉर द एरे इनपुट, मेक श्योर राइट अ मीनिंगफुल सेंटेंस. ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. जैसे कभी कभार मैंने देखा है बच्चे शॉर्ट में लिख देते हैं साइज, साइज क्या या एंटर. तो मेक श्योर प्रॉपरली राइट एंटर द साइज ऑफ द एरे एंड देन सिंपली आप लोग एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर
सिस्टम डॉट इन एंड देन एज प्रिटी ऑब्वियस एन इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट. ओके एंड देन अब मेरे यहाँ पे जो मेन पॉइंट था बात का, आप लोग चाहें तो फॉर द बेटर सेक, क्योंकि व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड माय ट्यूशन टीचर टोल्ड मी कि हमेशा एक बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 से 3 कमेंट्स लिखने चाहिए, क्योंकि कमेंट लिखने से एक रीडेबिलिटी और इंक्रीज़ हो जाएगी. मतलब कभी कभार जैसे माइट बी एग्जामिनर या किसी को भी अगर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन से समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट दिस लाइन मीन्स, सो आप अगर कमेंट्स लिख देंगे तो उससे क्या होगा और आपका प्रोग्राम ईजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंपली टू टेक the size of the array from okay it's util I believe sorry okay from the user. So आप कोशिश करें मैक्स टू मैक्स 2 कमेंट्स तो लिख दीजिए. ओके इज दिस क्लियर. ओके हाँ जी स्कैन हाँ कोई दिक्कत नहीं है. मैं लिखना भूल गई थी तो मैंने यहाँ लिख दिया डजेंट मैटर, क्योंकि हमें तो बेसिकली इनपुट करवाना तो ये आगे बने पहले बने कोई दिक्कत नहीं है. और देखिए एक जैसे हम लोग यूज़फुल जगह कमेंट्स लिखने की कोशिश करेंगे तो देखिए नेक्स्ट लाइन हमारी क्या होगी. बेसिकली हम लोग जब लीनियर सर्च करेंगे तो हम लोग वहाँ पर फॉर का लूप वी विल रन फ्रॉम आई ज़ीरो टू आई लेस देन एन एरे के लिए एंड देन वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ ए एट आई इज इक्वल टू द एलिमेंट दैट वी वांट टू सर्च. बेसिकली दैट कुड बी द की वेरिएबल. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर फाउंड हो जाएगा तो हम लोग फ्लैग को इक्वल्स टू 1 कर देंगे और ब्रेक कर देंगे ना. सबको याद है लीनियर सर्च. ओके तो यहाँ पे आप फ्लैग पे लिख सकते हो टू चेक इफ द एलिमेंट is present or not hence okay sorry mera whiteboard okay present or not but simply and then you can just write ki simply aapne yahan pe ek sentence likh diya. to I think ye jo do hamare comments hain ye bahut reasonable hain kyunki bacche ye karte hain yahan pe likh dete hain comments ki jaise in 10 to yahan pe likh denge to store the size par ye ek माना इट इज़ अ कॉमेंट बट यहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं है. तो जो इम्पॉर्टेंट लाइन यू फील कि यहाँ पे मेरा लॉजिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब इट इज़ द हार्ट ऑफ द प्रोग्राम, तो वहाँ पे आप ये 2 कॉमेंट्स ऐड कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स. क्लियर टू ऑल एवरीवन. आपकी मर्जी है किसी से भी कर सकते हैं आप. हाँ एज पर द क्वेश्चन इट सेज कि यू हैव टू एक्सेप्ट. उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि स्कैनर होना चाहिए या बफर होना चाहिए. ओके सो ये कमेंट का आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट. क्लियर सबको. ओके सो एक चीज़ थी जो मैं उस समय बता नहीं पाई थी तो आई थॉट कि जस्ट टू शेयर विद यू राइट नाउ एंड देन लेट्स मूव अहेड टू द स्क्रीन ओनली. Let me share the screen. Okay, so I think ये वाला तो आप लोग सब कर लेंगे और make sure कि search an element भी है तो वो भी आपको scanner से ही input करवाना पड़ेगा और उसको आप कर सकते हो variable name. make sure कि you write key, तो key से एक idea मिल जाएगा कि हम लोग इसी को ही search कर रहे हैं, तो proper naming रखिएगा. Okay, so here we have is define a class to declare character array of size 10. Okay, except तो फिर से आपको स्कैनर या बफर ही यूज़ करना पड़ेगा और देन काउंट दी अपर लेटर्स इन द एरे एंड प्रिंट एंड काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन द एरे एंड प्रिंट. आई बिलीव ये सबको आता होगा, इट्स वेरी इजी. किसी को कोई डाउट तो नहीं है. एनीवन ग्रेट ठीक है. हाँ जी स्ट्रिंग मतलब 2 कैरेक्टर वाली क्लास से, स्ट्रिंग से थोड़ी ना वो 2 कैरेक्टर की ही होती है वो. ओके फिर आता है डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर द एरे साइज ऑफ 20 ऑफ डबल डेटा टाइप. सो हमारा डबल का एरे बनेगा एंड एक्सेप्ट द एलिमेंट्स इनटू द एरे एंड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. कैलकुलेट एंड प्रिंट द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ द एरे. सो हाइएस्ट वैल्यू मीन्स द मैक्सिमम एलिमेंट इन द एरे.
सो ये दोनों भी आप लोगों को आते होंगे, मैक्सिमम वाला हमने करा हुआ है ऑलरेडी। ओके मैक्सिमम वाला, लाइब्रेरी क्लासेस देखिए, आपने जो जैसे अभी लाइब्रेरी क्लासेस का आपने बात करी तो यहाँ पे इनडायरेक्टली उन्होंने लाइब्रेरी क्लासेस पूछ ली, क्योंकि अपर लेटर आप कैसे चेक करोगे, आप लाइब्रेरी से तो करोगे कि कैरेक्टर इट इज़ डॉट कैरेक्टर डॉट टू नहीं इज, सॉरी हमें चेक करना है, सो इज़ अपर केस, सो हमने इनडायरेक्टली उन्होंने चेक करवा लिया एंड लाइब्रेरी क्लास उन्होंने यूज़ करवा लिया आपसे। आर यू गेटिंग? अब नहीं, इनकैप्सुलेशन में आपको आएगा तो बस थ्योरी में आएगा, प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। इन द क्लास मैंने आपको इनकैप्सुलेशन का पूरा बेसिक डेप्थ में बताने के लिए मैंने आपको वहाँ पे एक बस प्रोग्राम बताया था, वो कभी नहीं आएगा आपसे, अभी पूछा जाएगा एज ऑफ नाउ। ओके ओके एंड यहाँ पे जस्ट आपको याद होगा कि हमने इसके लिए क्या लॉजिक रखा था, कि हमने मैक्सिमम एलिमेंट को कंसिडर कर लिया था कि वो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है। यू आई रिमेंबर वो यू रिमेंबर ऑल ऑफ यू कि ऐसे हमने करा था, सबको ये लॉजिक याद है ना? एंड देन इफ, उसके बाद इफ मैक्स इज लेस देन ए एट आई, सो यहीं पे आप लोग एक कमेंट लिख सकते हो टू स्टोर टू चेक फॉर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, नहीं टू चेक फॉर द हाईएस्ट वैल्यू। ओके गेटिंग द पॉइंट? सो यहाँ पे आपका रीजनेबल कमेंट भी हो जाएगा। एवरीवन गेटिंग? ओके ओके सो लेट मी जस्ट मूव। ओके सो डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग्स, कन्वर्ट देम इनटू अपर केस, चेक एंड डिस्प्ले वेदर टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट। ओके तो हमसे पहले ही कह दिया गया है कि अपर केस में कन्वर्ट करो, सो इट मीन्स हमें यहाँ पे लाइब्रेरी क्लास उन लोगों ने इनडायरेक्टली यूज़ करवा ली। एक्सेप्ट है टू स्ट्रिंग्स तो वी हैव टू यूज़ बफर या स्कैनर। ओके मैंने वीडियो में सॉल्यूशन में डायरेक्टली पैरामीटर्स इनपुट ले लिया था, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लेंदी होती जा रही थी, तो इसलिए मैंने उधर वीडियो में पैरामीटर्स लिए, बट एज द वर्ड एक्सेप्ट मतलब कह रहा है तो वी नीड बफर और स्कैनर ओनली। ओके एंड देन उसके बाद हमें चेक करना है स्ट्रिंग्स इक्वल हैं कि नहीं, तो इक्वल के लिए वी हैव ओनली वन मेथड एस वन डॉट इक्वल एस टू। आई बिलीव इससे हमारा हो जाएगा चेक, एवरी वन नोज दिस। ओके एंड इफ दे आर इक्वल, सो सिंपली इफ टू स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल प्रिंट द स्ट्रिंग विद द हाईएस्ट लेंथ और प्रिंट बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो हाईएस्ट लेंथ कैसे निकाल लेंगे हम लोग? आप लोग यहाँ पे जब चेक करोगे इफ एस वन डॉट इक्वल्स एस टू, सो अगर ये इक्वल हैं सो क्या करना है, वी सिंपली मैसेज प्रिंट करना है एस ओ पी एल एन इक्वल आर ऑफ इक्वल लेंथ। एल्स हमें क्या करना है, तो हम लोग चेक कर लेंगे दोनों की लेंथ निकाल लेंगे, एस वन इज इक्वल टू एस वन डॉट लेंथ। ग्रेट बात सही है, पर एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ, तो लेंथ के लिए तो वी डू नॉट हैव एनी दैट कंपेयर वाला ना, तो वो तो कैरेक्टर पे एक करता है, तब भी लेंथ तो निकलेगी नहीं, लेंथ निकालनी तो पड़ेगी हमें। तो हम लोग तो डायरेक्टली अगर ये वाला करेंगे तो हमारे कंप्यूटर का कंप्यूटेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, वो डायरेक्टली बस चेक कर लेगा, क्योंकि कंपैरेटर वाला जाएगा वो एक एक को चेक करेगा, तो हम कंप्यूटर से थोड़ा सा ज़्यादा काम करवा रहे हैं, थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई ना कंप्यूटर की प्रोग्राम की आई बिलीव। ठीक है तो लेंथ ले लो एक एल वन, तो उसको एस वन डॉट लेंथ एंड देन एल टू एस टू डॉट लेंथ एंड देन यू जस्ट हैव टू सिंपली कंपेयर, इफ एल वन इज़ ग्रेटर देन एल टू तो मतलब विच वन इज़ ग्रेटर, तो हमें प्रिंट द हाइएस्ट लेंथ, तो वी विल जस्ट सिंपली प्रिंट एस वन। सबको पता है कॉन्सेप्ट, आ गया क्लियर? क्लियर सबको? ओके प्रोग्राम बहुत ईजी है आई बिलीव। सो पैलिंड्रोम तो हमने बहुत अच्छे से करा हुआ है, आई डोंट थिंक मेरे को पैलिंड्रोम को डिस्कस करना चाहिए यहाँ पे, पैलिंड्रोम सबको आता है। ओके सो उन्होंने फिर से आपसे लाइब्रेरी क्लास यूज़ करवा ली, कन्वर्टेड इनटू लोअर केस विच मींस यू नीड टू हैव टू पुट अगेन लाइब्रेरी क्लास। ओके एंड देन पैलिंड्रोम यू नो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अप डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट एंड स्टोर 10 स्ट्रिंग्स इनटू एन एरे। सो एरे में हम लोग अब स्ट्रिंग टाइप का निकालेंगे, एरे को हम लोग डिक्लेयर करेंगे एंड प्रिंट द स्ट्रिंग्स विद द इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये सबको आता है या मैं डिस्कस करूँ ये वाला एक बार? हम सबको करना है। ओके
सो मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ और स्टार्ट करती हूँ दोबारा से, क्योंकि इट्स अ फ्री जूम मीटिंग एंड देन वी विल डिस्कस दिस प्रोग्राम. ओके, यू हैव टू ऑल रीजॉइन. ओके, ग्रेट. ओके, सो आई विल जस्ट स्टार्ट. लेट मी नो अगर कोई वेटिंग रूम में बचा हो. ठीक है, सो मैं स्टार्ट करती हूँ. सो सबको स्क्रीन विजिबल है? ओके. अदिति, मैंने आपको होस्ट बना दिया, अगर कोई आए तो आप उसको बस एंटर करवा लेना. ठीक है, ओके. सो क्लास में डिस्टर्ब नहीं होती. सो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ. हमें 10 स्ट्रिंग इनपुट करवानी है एरे में, एंड ओनली हमें वही स्ट्रिंग प्रिंट करनी है जिनके पास इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं. ओके, सो ये कैसे रहेगा एक बार मैं बता देती हूँ. पहले हम लोग बेसिक बात करते हैं. अगर हमारा लेट से ये एरे है, ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. सो एरे सबको विजिबल है. सो हमें यहाँ पे अब स्ट्रिंग इनपुट करवानी है. लेट से मैंने ए बी करवाई यहाँ पे, दिस इज सी डी ई, एंड देन लेट से आर यू गेटिंग. इस तरह से हम लोग कुछ भी इनपुट करवा सकते हैं. मैंने अभी स्मॉल रखी है स्ट्रिंग, क्योंकि हमें बेसिकली अपना फंडामेंटल देखना है यहाँ पे क्या है. तो यहाँ पे जो जो इवन लेंथ है, इवन एंड दिस इज इवन, नो सॉरी दिस इज नॉट इवन. सो लेट्स मेक इट ए डी ई एफ, दिस इज इवन नाउ. सो हमें खाली इवन प्रिंट करवानी है. तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, ए बी ए डी ई एफ. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे की जो हर एक स्ट्रिंग है, जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक नई स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे. स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू जैसे लेट्स से ए एट आई. तो अब स्ट्रिंग एस में क्या स्टोर हो जाएगा हमारे पास, ए बी. अब यहाँ पे आपको हर स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी आती है. लेंथ का फंक्शन क्या होता है, ओके. एंड हियर अब हमें क्या बात कही गई है कि हमें इवन प्रिंट करनी है. सो इफ एल मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, सो ये मतलब ये इवन है. सो देन यू कैन व्हाट डू, सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन, हल्का सा आप एक स्पेस दे दीजिए एंड देन जस्ट प्रिंट दिस. क्लियर सबको? हाँ, वो मैं पूरा प्रोग्राम अभी लिख देती हूँ एक बार, पर ये इतना क्लियर है. एक लॉजिक, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग का किस तरीके से एक लॉजिक बनेगा. अगर हम लोग इसको लेते हैं तो दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी सी डी ई,
ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, थ्री, एंड थ्री मॉडुलस टू इक्वल इक्वल जीरो, दिस विल बी फॉल्स, सो ये प्रिंट नहीं होगा। तो एक हर एक स्ट्रिंग का लॉजिक क्लियर हो गया, एरे में हम लोग अभी क्लब कर देंगे, पर अभी एक इंडिविजुअल लॉजिक आपको आ गया क्लियर, सबको आ गया ना, ग्रेट। सो अब हम लोग एक बार बस इसका कोड देख लेते हैं, मैं कोड लिख देती हूँ, ओके दिस इज द इंक, ठीक है। तो अगेन हमें इनपुट करवाना है, तो सबसे पहले इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक एंड देन लेट्स टेक इट क्लास स्ट्रिंग इवन लिख देते हैं, तो इससे एक सेंस भी बन रहा है हमारी क्लास का, एंड देन वी हैव वॉइड मेन, ओके। हम लोग अब क्या इनपुट करेंगे, सबसे पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एस सी इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, इतना हो गया हमारा। सबसे पहले हमें क्या करना है, अब एरे की लेंथ इनपुट करवानी पड़ेगी, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा क्या इनपुट का सिनेरियो रहेगा। लेट्स टेक इट एन, फिर यहाँ पे आप लोग प्रॉपरली एस ओ पी लाइन लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में, फिर प्रॉपर मैसेज एंटर द लेंथ ऑफ द एरे, या आप लिख सकते हैं एरे साइज, इट्स अप टू यू, एंड देन वी हैव एन इज इक्वल टू एस सी डॉट, सॉरी, ओके हमारे पास लेंथ आ गई, नाउ वी कैन डिक्लेयर द एरे, लेट्स टेक इट इंट स्ट्रिंग ए आर आर इज इक्वल टू न्यू, इतना क्लियर है सबको यहाँ तक, बहुत बेसिक था, ओके। अब क्या करेंगे, यूज़र से पहले एरे इनपुट करवा लेंगे, तो लेट्स कीप इट इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन लेंथ, लेंथ हमारी किस में है, एन में स्टोर्ड है, सो वी विल मेक इट एन एंड आई प्लस प्लस, हियर जस्ट मेक अ स्टेटमेंट कि एस ओ पी एल एन एंटर द एलिमेंट, या यू कैन राइट स्ट्रिंग इन द एरे, डन। अब यहाँ पे ए एट आई एस सी डॉट नेक्स्ट, एंड देन यहीं पे आप अपना फॉर लूप क्लोज, यहाँ तक क्लियर सबको, ठीक है। तो मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, फिर इतना गिव मी अ सेकंड, स्क्रॉल डाउन, हाँ जी, आउटसाइड द लूप में ये प्रॉब्लम होगी कि आपको काउंट रखना पड़ेगा कि कितना एरे चल रहा है, पर एंटर द एलिमेंट अगर इनसाइड द लूप रखेंगे तो हमें याद रहेगा कि हर एक एंटर द एलिमेंट के बाद अपने आप लाइन आ जाएगी हमें डिस्प्ले कर मैसेज पुट करने के लिए, वरना हम लोग पहले पुट करते रहेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कितने हमने अभी तक पुट कर दिए हैं, गेटिंग द पॉइंट, तो एक ये फ़ायदा रहेगा बस, और कुछ नहीं है मेरा रीज़न, आप चाहो तो बाहर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। हमारा फॉर लूप हो गया, अब हमें क्या करना है, अपना मेन बेसिक काम। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोबारा से फॉर लूप ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट का करना है, तो मैं इसको दूसरी लाइन से हाईलाइट कर देती हूँ, अगेन इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देंगे एस, और उसमें क्या करेंगे, एरे के हर एक 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 एलिमेंट पुट करते जाएंगे उस एस में, फॉर एवरी आई वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उस एस की लेंथ निकाल लेंगे, सो इंट एल इज इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ, एंड देन यहाँ पे सिंपली एल मॉडुलस टू यू कैन पुट एस, एंड नहीं है तो बस ख़त्म, ये अपने आप चलता रहेगा लूप ऐसे, पहले आई की वैल्यू ज़ीरो वाला स्ट्रिंग लेगा, फिर वन का लेगा, फिर टू थ्री फोर, इस तरीके से, डन। एंड ये आपका क्लास ओवर, एंड देन दिस इज़ योर वॉइड मेन एंड क्लास ओवर, गेटिंग। अब मैं पूरा प्रोग्राम शेयर कर देती हूँ ताकि दिख जाए, क्लियर, क्लियर टू ऑल।
सबको हो गया ना, या रिपीट करूँ? ओके एक चीज़ देखना, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा है ना, मतलब ये ब्रैकेट तो मैंने यहीं पे बंद करा, void का स्टार्ट करा उसी के जस्ट एडजेसेंट नीचे बंद करा, फॉर का वहीं बंद करा, ये इस तरीके से। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको इस तरीके से मतलब क्लैरिटी रखनी है अपने प्रोग्राम में। तो जैसे आपने फॉर जब स्टार्ट करा तो मेक श्योर कि हल्का अंदर से शुरू करो, एक इंडेंट करके थोड़ा सा स्पेस देके, ताकि आइडिया मिल जाए कि अच्छा ये दो लाइनें फॉर की थी, क्योंकि जिस तरीके से इसकी स्पेसिंग हुई हुई है। ठीक है, तो दिख गया कि फॉर कब ख़त्म हो गया, फिर फॉर की इधर ही लाइन स्टार्ट कर दी मैंने। वॉइड मेन था तो मैंने वॉइड मेन का सारा इंडेंटेशन वॉइड मेन से रखा। आ गया आइडिया, मिल गया? ओके अब किसी को कोई डाउट तो नहीं स्पेसिमेन पेपर में? ओके ठीक है, सो मैं एक बार एक एरे लेके एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। दिस इज़ योर एरे। अभी मैं साइज छोटा कर देती हूँ क्योंकि वरना 10 तक का बहुत टाइम लेगा। इट्स 0, 1, 2। ठीक है, आई का हमारा ये रहा फॉर लूप। फर्स्ट हमारे लेट से मैंने कुछ इनपुट कर दिया है, एंड देन लेट से, सो अभी मैंने स्ट्रिंग्स इनिशियली इनपुट कर दी। सो आई की वैल्यू जो हमारी इनिशियली पहले 0 होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेंगे एस, उसमें ए एट आई वैल्यू इज़ 0, एंड दिस इज़ माई एरे, सो ए डबल आर, क्योंकि मैंने यहाँ पे एरे लिया है, सो ए डबल आर। सो मैंने यहाँ पे देखा आई पे कौन है, ए बी, सो ए बी मैंने इनपुट करवा लिया। अब मैंने चेक करा कि इसकी लेंथ क्या है स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग की लेंथ मेरे पास आई 2। मैंने चेक करा क्या 2 इवन नंबर है, दिस इज़ द वे टू चेक। सो हाँ जी 2 इज़ अ इवन नंबर, तो फिर ए बी विल बी प्रिंटेड। आई की वैल्यू विल बी नाउ 1। सो अब दोबारा से आई की वैल्यू 1 होगी, तो एस में हम लोग क्या शो करेंगे, ए आर आर एट आई, आई की वैल्यू इज़ 1, ए आर आर एट 1 पे क्या है ई। सो अब ओवर राइट होके ई आ जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एल, एस डॉट लेंथ में क्या आएगा इस समय, अब 1 आ जाएगा, 1 आएगा। इज़ 1 एन इवन नंबर, नो, सो ये प्रिंट नहीं होगा। आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 2। ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी अपडेट। अब स्ट्रिंग में कौन आएगा, 2 पे कौन है, ए बी बी सी। अब इसकी लेंथ क्या है, लेंथ विल बी 4, प्रिटी ऑब्वियस, 4 इज़ डिविजिबल बाई 2, येस, सो इट इज़ एन इवन नंबर। तो एस ओ पी एल एन है, सो ए बी बी सी विल बी प्रिंटेड। आई की वैल्यू विल बी 3, 3 इज इन पॉसिबल क्योंकि वो लेंथ हो गई है, सो आई बाहर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए था, स्ट्रिंग विद द इवन लेंथ, एंड दिस इज़ आई बिलीव द आउटपुट। क्लियर? जिसने जिसका डाउट था उसको क्लियर हुआ? ग्रेट। सो मैं एक बार स्पेसिमेन पेपर दोबारा से ओपन कर देती हूँ। डू लेट मी नो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो। लेट मी जस्ट रीशेयर द स्क्रीन। ओके सो दीज वर योर क्वेश्चंस। सो अभी भी डाउट है क्या किसी को, कुछ सीखो कुछ भी पार्ट में या कोई कॉन्सेप्ट में? क्लियर? ओके अब ये रैपर क्लासेज आर अवेलेबल इन विच क्लास, सो इट इज़ जावा डॉट लैंग। ओके